So after finishing limits, let's continue with the topic continuity. हम कब कहते हैं कि एक फंक्शन कंटिन्यूस है? We can say that a function is continuous if it takes output that changes continuously with input and that do not jump from one value to another without taking values within, then function is continuous. Simple language में हम कह सकते हैं, अगर function का graph बगैर pen race के draw हो सकता है, then that will be called a continuous function. अब function की continuity का sense कि हम continuity of function कहां discuss करें? It makes sense to discuss the continuity of function in its domain. अब domain हम जानते हैं कि domain may be in any form. It may be in the form of interval, may be union of intervals. तो वहां पर जब हम function की continuity की बात करना चाहते हैं, at point, continuity of function at point. तो हम mainly तीन तरह के points को फेस करते हैं. मे बी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इंटरवल, पॉइंट लाइंग इन ओपन इंटरवल मींस मे बी पॉइंट इज द लेफ्ट एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल और पॉइंट मे बी राइट एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल. अब किसी पॉइंट पर हमको अगर फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है तो मैथमेटिकली, ठीक है, ग्राफिकली हमने मतलब समझ लिया कि फंक्शन का ग्राफ बगैर पेन रेस के बन जाना चाहिए या फिर फंक्शन के आउटपुट कंटिन्यूस आने चाहिए बगैर किसी वैल्यू को स्किप किए हुए, बिटवीन एनी टू वैल्यूज, राइट. मैथमेटिकली हम कहते हैं फंक्शन एक पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा अगर लिमिट एट दैट पॉइंट, लिमिट ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू एफ ए. तो अगर ये कंडीशन मीट होती है देन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए. जैसा कि मैंने कहा कि पॉइंट तीन टाइप के हो सकते हैं, मे बी इंटीरियर पॉइंट, पॉइंट लाइंग इन ओपन इंटरवल, लेफ्ट एंड पॉइंट या राइट एंड पॉइंट. तो डिपेंडिंग ऑन दैट पॉइंट लाइंग इन इंटीरियर पॉइंट ओपन इंटरवल, डोमेन के ओपन इंटरवल में अगर पॉइंट लाई कर रहा है then continuity criteria is LHL RHL बराबर FA. This become the continuity criteria of function at A if it is an interior point of the domain. If it is the left end point then continuity criteria become RHL क्योंकि इसका left neighborhood domain में नहीं है तो हम सिर्फ bother करेंगे over right hand neighborhood and similarly if it is the right end point in that case kyunki beta ka right neighborhood domain mein nahi hai so continuity criteria become LHL equal FA.
So this is how we discuss continuity of function at a point x equal to a, जो डिपेंड करेगा कि वो पॉइंट किस तरह का पॉइंट है, राइट? आई सपोज कि डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज क्लियर टू ऑल, एंड अभी तक हमने अपार्ट फ्रॉम जनरल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन की कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पर हम किस तरह से डिस्कस करते हैं। अभी मैं वेरियस एग्जांपल्स लूंगा तो उसमें आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी कि हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, बट अभी हम कंसेप्ट डेवलप कर लें, फाइन। नाउ जस्ट नाउ आई फिनिश्ड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट। जिस तरह से हम फंक्शन की कंटिन्यूटी एक पॉइंट पर डिस्कस कर सकते हैं, सिमिलरली वी कैन ऑल्सो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन सम गिवन इंटरवल। तो पॉसिबल है कि मुझे अगर कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन जनरल पूछा जाता है कि डिस्कस द फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, तो हमने क्या समझा कि अगर फंक्शन की कंटिन्यूटी हमको डिस्कस करने को कहा गया तो हम उसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे इन इट्स डोमेन। बट कोई जरूरी नहीं है कि आपको पूरी डोमेन में फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करने को पूछा जाए। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि मैं आपको उस डोमेन का कुछ सबसेट डिस्कस करने के लिए पूछ सकता हूं, ठीक है? तो आई एम कमिंग टू दैट, दैट इज वी हैव टू डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन ए गिवन इंटरवल, फाइन। सो दिस टाइम वी आर नॉट सपोज टू डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन कंप्लीटली, इन अ गिवन इंटरवल वी आर सपोज टू आंसर। लेट सपोज कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्योंकि मुझे फंक्शन की कंटिन्यूटी एक इंटरवल में डिस्कस करने को बोला गया, तो अगेन प्रॉब्लम बिकम्स कि मुझे इस इंटरवल के हर पॉइंट पर कंटिन्यूटी डिस्कस करनी होगी। नाउ डिपेंडिंग ऑन पॉइंट, अब हम मेरे ख्याल से आप समझ सकते हो, आप अपने आइडिया से समझ सकते हो कि इंटरवल, अगेन इन दिस इंटरवल देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉइंट्स, वन लेफ्ट एंड पॉइंट, वन इंटीरियर पॉइंट एंड वन राइट एंड पॉइंट। सो अगेन ऑटोमेटिकली यू योरसेल्फ कैन आंसर कि इन दिस इंटरवल इफ वी आर सपोज टू डिस्कस द कंटिन्यूटी, तो इफ पॉइंट इज एन इंटीरियर पॉइंट तो हम इस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी बाय लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल एफ अल्फा। This will be the criteria of continuity at alpha. If alpha is equal to a, then criteria of continuity right hand limit equal f alpha. If alpha is b, then for continuity. तो इसका मतलब है कि continuity of function हम point पर भी discuss कर सकते हैं, हम interval में भी discuss कर सकते हैं। अगेन इंटरवल इन दिस केस इज क्लोज इंटरवल, बट मे बी इन सम प्रॉब्लम आप यू मे बी आस्क्ड टू डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन ओपन इंटरवल, इन सेमी क्लोज इंटरवल। लेट्स टेक सेमी क्लोज इंटरवल लाइक दिस। इफ यू आर सपोज टू डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन सेमी क्लोज इंटरवल लाइक दिस, so I think automatically you can understand कि we need to discuss interior points and we need to discuss b, we are not interested in a. तो continuity अगर इस interval में discuss करने को बोला गया है तो मेरा point of interest will be this only, check at interior points and check at right end point only, fine. Now I think
यू योर सेल्फ कैन अंडरस्टैंड कि इफ वी हैव टू डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन ओपन इंटरवल ए टू बी, तो मेरे ख्याल से आप समझ ही चुके होंगे कि अब मेरा जो डिस्कशन होगा दैट विल बी इन इंटीरियर पॉइंट्स ओनली। सो अब तक हमने क्या पढ़ लिया, अब तक हमने फंक्शन की डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी कि कब एक फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होता है, हमने पढ़ लिया कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन अ इंटरवल। ओके, मैं कुछ फंक्शन प्लॉट करता हूं एंड इसे हम समझते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। फाइन, let's consider the graph of a function and function is like this, and let's suppose I think aap samajh pa rahe ho main points ko kis tarah se locate kar raha hu, aap isme recognize kar paoge, theek hai। 2 सो लेट सपोज दिस इज द एंटायर फंक्शन, मतलब आप फॉलो कर सकते हो, अगर मैंने कहा कि ये कंप्लीट फंक्शन है इट मीन्स इट्स डोमेन इज क्लोज इंटरवल 0 to 4। नाउ आई एम सपोज टू डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, तो अगर मुझे फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है तो मुझे इसकी पूरी डोमेन में डिस्कस करनी होगी, और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि फंक्शन की डोमेन इज क्लोज्ड इंटरवल 0 to 4। तो स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड पॉइंट आई थिंक एक्स इक्वल 0, तो क्राइटेरिया ऑफ कंटिन्यूटी एट 0 इज ओनली राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ 0 विच आई फाइंड इक्वल, सो आई कैन से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट 0। आई थिंक ग्राफ बगैर पेन रेस की बन रहा है, तो एवरीवेयर आई फाइंड फंक्शन कंटिन्यूस। नाउ एट 2 आई फाइंड अ जंप, एट 2 कैन ऑब्जर्व फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एज लिमिट, इनफैक्ट लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है एट पॉइंट 2, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x equal to 2, then x equal to 3, no doubt limit exists but not equal f3, fine, so again function is discontinuous। Coming to x equal to 4, at x equal to 4 criteria of continuity kya reh jata hai at 4, LHL equal f4, you can say that LHL is different from f4, is not equal to f4, so again function become discontinuous। So in total in complete domain function becomes discontinuous at x equal to 2, 3 and 4, right? Okay, let me come to discontinuity of function। Suppose that function is discontinuous at some point x equal to a, so we can identify
द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हम बता सकते हैं कि उस पॉइंट पर फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी किस तरह की होगी. तो वी ऑल्सो रीड टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. तो अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट अ पॉइंट x इक्वल टू a. नाउ इट मे हैव टू पॉसिबल टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. वन, रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी. And one non-removable type discontinuity. अब function discontinuous है एक point x equal to a पर, तो हम कब कहते हैं कि it has removable type discontinuity? तो basic definition is if फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ए बट लिमिट एग्जिस्ट. लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है और फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो हम कहेंगे कि फंक्शन हैज रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी. इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो फंक्शन लाइक दिस. आई थिंक फंक्शन हैज अ लिमिट एट x इक्वल टू a, बट आप देख सकते हो कि f a डिफाइंड ही नहीं है. सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट a बिकॉज लिमिट इक्वल f a डिसक्वालिफाइज. फाइन, इन दिस केस ऑल्सो हम देख सकते हैं कि लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट एट ए, बट अगेन एफ ए डिफाइंड है, बट दिस इज नॉट इक्वल लिमिट एक्सटेंडिंग ए. सो फंक्शन अगेन बिकम डिसकंटिन्यूअस एट ए. तो सच केसेस कम अंडर रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी. नाउ रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी का बेसिक मतलब यह है कि वी कैन रिमूव सच डिसकंटिन्यूटी. तो जैसा मैंने कहा कि वी कैन रिमूव सच डिसकंटिन्यूटी, हाउ, कैसे कर सकते हैं? तो सच डिसकंटिन्यूटी कैन बी रिमूव्ड बाय एट ए. सो रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी कैन बी रिमूव्ड बाय रीडिफाइनिंग फंक्शन, बाय रीडिफाइनिंग फंक्शन एट x इक्वल टू a. वी कैन मेक सच फंक्शन कंटिन्यूस. ओके, लाइक अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स. हम क्लियरली देख सकते हैं कि x इक्वल टू जीरो पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है. नाउ इफ आई एम सपोज टू आंसर दिस फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल जीरो, देन आई विल से दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस बिकॉज f जीरो इज नॉट डिफाइंड. अब मुझसे कहा गया है If possible, make this function continuous. तो सबसे पहले मुझे बताएं कि क्या ये function को possible है x equal to zero पर continuous बना पाना? Answer is yes. Because can easily see limit of function
हम लोग बहुत अच्छी तरह फैमिलियर हैं बाय दिस लिमिट एट x जीरो. तो लिमिट ऑफ फंक्शन एट x जीरो इज वन, लिमिट एग्जिस्ट. फाइन, इसका मतलब है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है विथ रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी. नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू मेक इट कंटिन्यूअस, तो मैं क्या करूंगा, आई विल सिंपली रीडिफाइन इट एट x इक्वल टू जीरो. मैंने इस फंक्शन में, आई सेट लेट द फंक्शन बी सेम एट एवरी x एक्सेप्ट जीरो एंड एट जीरो आई रीडिफाइंड इट टू बी इक्वल टू वन. नाउ आई थिंक दिस फंक्शन बिकम कंटिन्यूस. सो दिस इज हाउ वी रिमूव डिसकंटिन्यूटी इफ फंक्शन हैज रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी. सो वी आर अलाउड टू रिमूव डिसकंटिन्यूटी.